So a very good evening to everyone. Today I'll be beginning with BEG 141, which is understanding prose. So before beginning, I would like to ask you all कि आप लोग prose से क्या समझते हो? What do you understand by prose? Any idea? और अगर idea नहीं भी है, तो you can simply write कि no idea. और अगर आपको पता है, तो आप बताओ please. क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है. सॉरी टू इंटरप्ट, विल रिकॉर्डेड सेशन ऑफ दिस बी प्रोवाइडेड. होगी, बट जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं. आई मीन टू से कि बल्क में होगी. वीकली अपडेट करूंगी या फिर मंथली अपडेट करूंगी सारे वीडियोस एक साथ. आपको ऐसे रेगुलर डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा. फिर ये क्लास का क्या फ़ायदा? सब तो फिर उस पर वो हो जाएंगे, यूट्यूब वीडियो पर डिपेंडेंट हो जाएंगे. फिर क्लास का क्या फ़ायदा? सो किसी को नहीं पता प्रोज का मतलब क्या होता? कोई नहीं, स्टार्ट करते, आज क्लियर हो जाएगा. पोएम तो सुना होगा आपने, पोएम जिसमें राइम्स होते हैं. जो चीज पोएम में इंक्लूड नहीं होती है उसको आप प्रोज कह सकते हो. ये बहुत ही बेसिक सा मैंने किंडरगार्टन वाला आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है जो आपको भी नहीं भूलोगे. जो चीज़ पोएम में इंक्लूड नहीं हो रही है वो प्रोज में जा सकती है, कहला सकती है. एसेज भी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, और ये नॉवेल्स, ड्रामास, ये सब कुछ चला जाता है प्रोज में. थोड़ा सा ब्लॉक इंट्रोडक्शन देखते हैं. यूनिट वन में हम देखने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन एंड वेरियस वेराइटीज़ ऑफ प्रोज, देन फिगर्स ऑफ स्पीच. ये तीन चीज़ें यूनिट वन में कहूँगी. यूनिट सेकेंड में क्या होगी? तो डिस्क्रिप्टिव प्रोज and how to identify descriptive prose by giving examples from texts. And unit third, इसमें भी narrative prose के बारे में बताया जाएगा and will be provided some passage from the texts to explain it better. And unit four will be about expository prose in this unit. Unit four, the last unit है, वो हमें expository prose के बारे में बताएगी. After that, चलते हैं unit one से start करते हैं. अंडरस्टैंडिंग प्रोज एंड इंट्रोडक्शन. और स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, नॉर्मली सारे हमारे बुक्स के एक ही जैसे स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ इंट्रोडक्शन होती है, फिर अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स आते हैं, देन लास्ट में लेटर सम अप होता है, एंड लास्ट में एक चेक योर प्रोग्रेस, आंसर्स टू चेक योर प्रोग्रेस है. चेक योर प्रोग्रेस तो बीच बीच में रहता है, जो कि अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़रूरी है. वो तो पता ही होगा क्योंकि थर्ड ईयर में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं चेक योर प्रोग्रेस से कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये कितना ज़रूरी होता है पढ़ना. ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इस यूनिट की ऑब्जेक्टिव क्या है. सो बेसिकली आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, कि प्रोज क्या होती है, पोइट्री क्या होती है, किस चीज़ को प्रोज कहते हैं, किसको पोइट्री कहते हैं, और डिफिनेशन पता चलेगा किसका, तो डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव एंड एक्सपोजिटरी प्रोज, ये तीनों क्या होते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो सब. देन डिस्क्राइब प्रोज फॉर्म्स सच एज शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, एसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी. ये अलग अलग जो प्रोज फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया, उन चीज़ों को समझेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है, इन सब में आपस में क्या डिफरेंस है, और ये साथ में मिल करके किस तरीके से प्रोज का फॉर्म ले लेते हैं. देन लास्ट में देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, ये होता क्या है. ये अभी तक थोड़ा फेमिलियराइज हो गए कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, जैसे सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन वगैरह वगैरह. सो उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि हाँ सिमिली मतलब क्या होता है, आपको पता है मेटाफर क्या होता है, बट आपके सामने एक पोएम आया और कोई प्रोज आया और आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है. तो वो पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है. जब आप आरटीसी अटेम्प्ट करते हो, आरटीसी मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके आंसर्स बहुत इन्हांस हो जाते हैं उससे. इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. यहाँ पे दिस कोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट विल डील विद वेराइटीज ऑफ प्रोज व्हाइल द सेकेंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिफरेंट प्रोज फॉर्म्स. सो आप इसको रख सकते हो कि आपको इसमें पढ़ना क्या है. सो बेसिकली यहाँ पे पहले वाले में हम देखेंगे वेराइटीज. ओप्स, आई एम सो सॉरी, दिस वॉन्ट वर्क आई गेस. चलिए ऐसे ही देखते हैं, आप समझना. द फर्स्ट डील्स विद वेराइटीज ऑफ प्रोज व्हाइल द सेकेंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिफरेंट प्रोज फॉर्म्स.
सो जो पहला है वो वैरायटी ऑफ प्रोज बताएगा, सेकंड जो है वो बताएगा डिफरेंट प्रोज फॉर्म्स के बारे में। इसमें हमें यही सब चीज़ें बताई जाएगी इस यूनिट में। एंड देन फिगरेटिव लैंग्वेज, बहुत सारे राइटर्स यूज़ करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को, यही उनकी क्रिएटिविटी को दिखाता है कि जो राइटर्स जितने अच्छे तरीके से जितना ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो उतने अच्छे राइटर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे शेक्सपियर, उनका सबसे मेन है हाइपरबोले, हर चीज़ का एग्जैगरेटेड फॉर्म को मतलब ऐसा शो करते हैं, छोटी सी चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोलना या फिर उसमें बहुत डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज़ करना, इस वजह से वो इतने पॉपुलर है। एंड उनको मतलब उनका ना पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ओवर हो रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड भी रहता है। ठीक है, देन प्रोज एंड पोएट्री, यहाँ पे बात हो रही है प्रोज एंड पोएट्री की। द वर्ड प्रोज इज टेकन फ्रॉम द लैटिन प्रोसेस, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि कौन से लैटिन वर्ड से ली गई है प्रोज। तो ये प्रोसेस, ये ओरिजिन है इसका, एंड इसका मतलब होता है डायरेक्ट या फिर स्ट्रेट। ओके, सो ब्रॉडली स्पीकिंग प्रोज इज डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग। कितना सिंपल है कि जो भी चीज़ आप डायरेक्टली बता रहे हो, लिख रहे हो, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं है या छुपाया हुआ नहीं है, वो सिंपली आप उसको प्रोज कह सकते हो। पोएट्री में उसको वर्ड्स में लिखा जाता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स मे बी लेफ्ट टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर। अब एक पोएम है, एक क्या हज़ारों पोएम ऐसी है जो आप पढ़ोगे ना तो आपको फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा क्या लिख दिया किसी ने। कभी कभी तो लगेगा ना कि ये राइटर को इंग्लिश ही नहीं आती थी, पता नहीं क्या लिख दिया इसने, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं बनता है। बट मीनिंग तो होता है, बट बहुत डीप मीनिंग होता है। ठीक है, और वो हम अपने इमेजिनेशन से उसको समझ पाते हैं, और अगर हम नहीं समझ पाते हैं जो, तो दूसरे लोग जिन लोगों ने उसको क्रिटिकली एनालाइज किया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो समझ में आता है। छोटी सी एग्जाम्पल कि आप अपने कोर्स का कोई भी पोएम याद करो, ठीक है, अपने खुद से पर आपको कुछ समझ में नहीं आया, बट आप क्लास में जाते हो, जब आपको टीचर अच्छे से बताता है कि हाँ ये लाइन का, ये वर्ड का ये मतलब है, तब समझ आता है अच्छा ये पोएम का ये मतलब था। सो कितना घुमावदार होता है, ये पोएट्री है। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो पढ़ के समझ आ जाए एकदम क्लियर डायरेक्ट, वो प्रोज। इन ऑर्डिनरी प्रोज द एम इज़ टू कम्युनिकेट वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब ये ऑर्डिनरी प्रोज की बात हो रही है जहाँ अपने थॉट्स फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हैं। देन वॉट इज इम्पॉर्टेंट देन इज वॉट वन वॉन्ट्स टू से, देन हाउ वन चूजेज टू से इट। और ऑर्डिनरी प्रोज में ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कोई इंसान बोलना चाहता है, और दूसरा कि हाउ वन चूजेज टू से इट। पहले तो वो क्या बोलना चाहता है, सेकेंड वो कैसे बोलना चाहता है, क्या और कैसे, सिंपल। देन वॉट इज सेड इज द टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन, हाउ इट इज सेड इज द स्टाइल और मैनर इन विच द टॉपिक इज एक्सप्रेस्ड। बेसिकली क्या होता है कि आपको एक एसे दिया जाए लिखने के लिए, तो आपके पास हो सकता है सब्जेक्ट मैटर है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे को इस पर यह लिखना है, बट अगर आपको राइटिंग नहीं आती है ना, स्टाइल नहीं आता ना कैसे लिखना है, तो नहीं लिख पाओगे। छोटे बच्चे को कहो कि आप एक एप्लीकेशन लिखो, स्कूल में छुट्टी चाहिए। मेरा भाई, एक फॉर एग्जांपल, मैंने उसकी हिंदी की कॉपी चेक करी, उसको मिला था क्वेश्चन कि आप क्या करो कि लेटर लिखो प्रिंसिपल को कि एक दिन की छुट्टी चाहिए। उसने क्या किया है, सर प्लीज़ मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए, थैंक यू। तो उसको तरीका नहीं पता है बट मैटर पता है। तो वही तरीका है कि पहले तो आपको सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए, देन उसके बाद उसको किस तरीके से लिखना है वो पता होना चाहिए। देन द स्टाइल ऑफ कोर्स ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन हु वी आर राइटिंग फॉर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी वी हैव। देर आर डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स, वट एवर द नंबर ऑफ टॉपिक्स दे ऑल कम अंडर वन और अनदर वेराइटी ऑफ प्रोज, एंड ईच वेराइटी मे हैव अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ इट्स ओन। तो कौन कैसे लिख रहा है वो उसके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल दो फ्रांसिस बेकन की, उनकी एसेज है ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रैवल। सो ये लिखते रहना, उनके जो तुम एसेज पढ़ोगे ना तो लगेगा इनसे आइडियलिस्टिक आदमी तो दुनिया में कोई नहीं होगा, बट उनके रियल लाइफ में अगर हम जाके देखेंगे तो उनका रियल लाइफ बिल्कुल अलग था। वो मतलब बहुत करप्ट थे, मतलब वो होता ना घूस लेना, वो चीज़ बहुत करते थे। सो मतलब रियल लाइफ में उनको काफ़ी टाइम अरेस्ट भी किया गया था, बट लिखने टाइम में बिल्कुल आइडियल, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ। सो ये पर्सनालिटी वैरी करती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लगा रहे हैं या बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कोट्स लगा रहे हैं, बट रियल लाइफ में उसके ऑपोजिट है। तो ये सब पर्सनालिटी होती है, ठीक है। What then are the different varieties of prose? For purposes of analysis, we have categorized them as descriptive, narrative and expository. अब varieties की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे varieties की बात हो रही है, तो उसमें कौन कौन सी है, तो एक descriptive है, एक narrative है और एक expository है।
डी एन और ई. ओके, डीएनए की जगह डीएनई याद रखना. बट दीज थ्री आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. समटाइम्स यू फाइंड मोर देन वन वेराइटी इन अ पीस ऑफ वर्क. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये टर्म आई थिंक मैथ्स में आया था, स्टार्ट्स वाले एरिया में. सो मैं मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. मैं ये कह रही हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एकदम अलग हो गया, नरेटिव बिल्कुल अलग हो गया, एक्सपोजिटरी अलग हो गया. ये सारे कंपार्टमेंट अलग नहीं है, इस सबके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है. जैसे एक वर्क आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है, नरेटिव टेक्निक भी मिल सकती है, एक्सपोजिटरी भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है. सो तीनों चीज़ें हैं तो अलग, बट उनमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं. ठीक है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड इंटेंशन ऑफ द राइटर. फॉर एग्जाम्पल, इन अ नॉवल और शॉर्ट स्टोरी वी आर लाइकली टू फाइंड ऑल दीज वेराइटीज ऑफ प्रोज वर्क टुगेदर इन इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव कॉम्बिनेशंस. सो जो भी लिखते हैं प्रोज को, उसमें वो क्या करते हैं, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव तरीके से यूज करते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री. अब यहाँ हम डिफरेंस की बात करते हैं. यहाँ क्वेश्चन प्रोबेबल है कि प्रोज पोएट्री के बीच की डिफरेंस बताओ. ठीक है, अ फ्रेंच पोएट एंड क्रिटिक पॉल वैलरी कंपेयर्ड प्रोज टू वॉकिंग एंड पोएट्री टू डांसिंग. वी वॉक इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी डू इट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. When we walk for exercise, we do it for the improvement of our health. In other words, walking is utilitarian. That is, it is something that we do with a purpose in view. We are talking about ordinary prose and not literary prose. Ordinary prose is like walking. We use words to give information, to get something done, to make someone do what we want him or her to, and so on. In ordinary prose, what is important is the message. But this is not the primary consideration in literary prose. What is important also is how language is used, how ideas and emotions are communicated, and how the style suits the content. So, Paul Valery ने एक बहुत अच्छे example के साथ इसको बताया कि prose क्या होता है. So, ordinary prose को compare किया उन्होंने walking से, कि walking का एक particular purpose होता है. इतना है इस पैराग्राफ में. When you go to see a dance, you are not interested in seeking information. जब आप डांस देख रहे हो, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लेने तो आप जाते नहीं हो. जब आप अच्छा डांस देखते हो, you enjoy it. In other words, the objective is enjoyment and not mere information or instruction. So, ये purpose नहीं है ना, ये entertainment के लिए है. When you like a particular dance, you go and see that dance over and over again because every time you see it, you get a new aesthetic experience. In the case of poetry and literary prose, you have what you call your favorite poem or passage. You read it several times, you are not tired of it. If it is an ordinary prose passage, the moment you understand the meaning, you don't want to read it again. In literary prose as well as in poetry, it is not just the meaning that is important, but also the medium. It is often difficult to say what is more important, the form or the content. Ek second, yahan pe main ek pause dungi. Kyun? क्योंकि मेरा एकदम एग्जैक्टली इमिजिएटली ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि इग्नो के बुक्स में इतनी एम्बिग्यूटी है, इतना कंफ्यूजन है ना, कि हेडिंग क्या है, डिफरेंस, एंड यहाँ वो क्या लिख रहे हैं एज वेल एज. यहाँ उनको बताना है कि डिफरेंस क्या है, कि प्रोज और पोएट्री के बीच की डिफरेंस क्या है, बट यहाँ वो सिमिलैरिटी बता रहे हैं. खैर कोई नहीं, हमें इसे डील करना है किसी तरीके से एंड खुद के कॉमन सेंस से यूज़ करना है कि कहाँ डिफरेंस बताया जा रहा है, कहाँ सिमिलैरिटी बताई जा रही है. सो बेसिकली इस पैराग्राफ से आपको राइटिंग मटेरियल तो नहीं मिल सकती. इन डांसिंग एवरी जेस्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पोजिशन. ये आप ऐसा करना, खुद से पढ़ना और समझना, क्योंकि इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है नहीं. और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कोई पॉइंट नहीं बन रहा, ये आप नहीं लिखोगे आंसर्स में. इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा कि बताओ प्रोज पोइट्री के बीच के क्या डिफरेंसेज हैं. ठीक है, उसके बाद द लिटरेरीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पोएम और प्रोज पीस लाइज पार्टली इन दिस क्वालिटी. अ लिटरेरी पीस यूजुअली हैज लेयर्स ऑफ मीनिंग फॉर द राइटर वर्क्स थ्रू सजेशन, एल्यूजन, इमेजरी, अदर डिवाइसेस. ये सब चीज़ें यूज करके वो अपने लिटरेरी पीसेज, लिटरेरी पीस मतलब वो जो भी लिख रहे हैं, उनका जो भी राइटिंग है, उसको वो इन्हेंस करते हैं कुछ डिवाइसेस यूज करके, जैसे सजेशन, अल्यूजन, इमेजरी. ये सब कुछ डिवाइसेस हैं जिससे वो अपने राइटिंग्स को इन्हेंस करते हैं. एंड देन डेनोटेशन कॉनोटेशन, यहाँ समझते हैं ये क्या होता है. काफ़ी लोगों को पता होगा आई एम श्योर कि जो हम पढ़ते हैं ना, अक्सर क्या होता है, एक होता है डेनोटेटिव मीनिंग उसका और एक कॉनोटेटिव मीनिंग होता है. डेनोटेशन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड. For example, when you say this is a stone, you are referring to an object which is a stone. It is a clear statement. So denotative, denotative जो ऊपर का मतलब है, like literal,
जो आप सुन रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वही. देन देर इज नो अदर मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ऑन द अदर हैंड इफ वी से ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, द मीनिंग चेंजेस. व्हाट डज इट मीन? इन सिंपली मीन्स दैट ही इज क्रूएल और हार्ड हार्टेड. इन फैक्ट इट रिफर्स टू ऑल द क्वालिटीज यू एसोसिएटेड विद द स्टोन. This is what we mean when we say that a word has several connotations. The word home means a place where one lives with one's family. This is its primary meaning, but it suggests warmth, intimacy, family, security, comfort, affection. A house is also a place where one lives. Does it have the same connotations of the word home? No. Poetry is full of connotations, and of our appreciation of poetry stems a great deal from the connotation of words used in it. So, ye paragraph बताने का सिर्फ इतना मतलब है, डिनोटेटिव मीनिंग, अपर मीनिंग और कोनोटेटिव मीनिंग, हिडन मीनिंग. ठीक है, एक ऊपर की मीनिंग है और एक डीप मीनिंग है. सो बेसिकली पोएट्री में ज़्यादा पाया जाता है ये कोनोटेटिव जो होती है ना टर्म, ऐसे वर्ड्स पोएट्री में सबसे ज़्यादा मिलता है. पढ़ोगे तो लगेगा लिटरली कि ये तो कुछ और है, बट थोड़ा सोचोगे, थोड़ा इमेजिनेशन यूज़ करोगे तो पता चलेगा, अच्छा नहीं ये वर्ड से उनका ये मतलब था. सो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी थी कि डोनोटेटिव में आप लिख सकते हो दिस इज अ स्टोन, और कोनोटेटिव में कि हिज ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि चेक योर प्रोग्रेस वन में, कि आप 3-4 सेंटेंसेस में बताओ कि प्रोज और पोएट्री की डिफरेंस बताओ. जो यहाँ पे आप डांस वॉकिंग लिखोगे ठीक है, वो एग्जाम्पल पर्पज के लिए ठीक है, बट इसको आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. आप बता सकते हो कि प्रोज में आपको डिनोटेटिव मीनिंग मिलती है और पोएट्री में आपको डिनोटेटिव के साथ साथ कोनोटेटिव मीनिंग भी मिलती है. अब देखो यहाँ पे भी एकदम सेपरेटली नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोज में कोनोटेटिव मीनिंग या हिडन मीनिंग नहीं होता है. कहीं कहीं प्रोज में भी होता है, बट सबसे ज़्यादा पोएट्री में होता है. ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस पॉइंट आउट करना है. देन डिनोटेटिव और कोनोटेटिव क्या होता है ये चीज़ आपको बतानी है. ठीक है, देन लास्ट में इसका आंसर दिया ही है, तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो. वेट, अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं एक बार वो चेक करके आपको बताती हूँ. तब तक, जब तक मैं पहुँच रही हूँ आंसर्स तक, तब तक आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है क्या. हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड. ओके ओके, अगर समझ आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो रिएक्ट विद अ थम्स अप, नहीं समझ आ रहा तो यू कैन रिएक्ट विद अ थम्स डाउन. ऑल राइट, ओनली 3 रिस्पॉन्सेज यहाँ पे, 9 और ओके 4 रिस्पॉन्सेज. ओके ओके, मैं लेट क्लास ले रही हूँ, सब सो तो नहीं रहे, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? आ रही है बहुत तेज. कोई बात नहीं, ये पढ़ के अच्छी नींद आएगी, मस्त हो जाना. ठीक है ओके, तो मैं पहुँच चुकी हूँ आंसर्स तक. यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोज एक डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग है, जहाँ पे राइटर अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एकदम क्लियरली और प्रिसाइजली बताते हैं. ये चीज़, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना प्रोज के बारे में. अब पोएट्री की बात करें तो वो वर्ड्स फॉर्म में लिखा जाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें छुपी होती है, और वो इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है. जो पढ़ रहा है वो किस तरीके से उसको सोच रहा है, समझ रहा है, उस पर डिपेंड करता है. प्रोज इज़ लाइक वॉकिंग, पोएट्री इज़ लाइक डांसिंग. प्रोज में जो है आपको मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है, पोएट्री है सिर्फ डिलाइट के लिए है. इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. देन सेकंड आंसर पे देखते हैं, तो वर्ड्स एज डिनोटेटिव कोनोटेटिव, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया कि डिनोटेटिव मतलब होता है लिटरल मीनिंग, और कोनोटेटिव मतलब होता है हिडन मीनिंग, कि जो छुपा हुआ है आपको, जो दिख रहा है ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है कि ये वर्ड का ये मतलब है, तो वो डिनोटेटिव. और अगर उस वर्ड का कोई दूसरा मीनिंग है, कोई छुपा मीनिंग है जो इमेजिनेशन से ही पता चल सकता है, तो वो हो गया उसका कोनोटेटिव मीनिंग. ओके, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा वैरायटीज ऑफ प्रोज से. यहाँ पे हमने डिफरेंस देख लिया कि पोएट्री और प्रोज के बीच में क्या डिफरेंस होती है. ठीक है, आई होप कि थोड़ा नोट्स वगैरह बना रहे होगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है.
एग्जाम टाइम पे कि आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा खुद से, बस वो एक दो वर्ड देख लो और सब सब याद आ जाता है। और अगर मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल इंक्लूड कर रही हूँ तो एग्जाम्पल भी लिखना समझ में आएगा। अगर आपके पास में बुक हार्ड कॉपी में अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, बुक के साइड में स्पेस दी गई है। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, बुक के साइड में इतनी सारी स्पेस दी गई है, वहाँ पे मैं भर देती हूँ पूरा घसकर। एनीवेज, डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डिस्क्राइब्स थिंग्स। अब जैसा इसका नाम है, डिस्क्राइब करता है ये जैसा है और जैसा वो अपीयर करता है। ओके, इट कैन बी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और अ लैंडस्केप और एन इवेंट, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वी आर एबल टू सी थिंग्स एज दे आर। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जैसी चीज़ है उसको उस तरीके से बताना, कैसे उन्होंने वो सुना, कैसे वो देखा या किस तरीके से इमेजिन किया गया ये। तो डिस्क्रिप्टिव में ज़रूरी नहीं है कि कोई रियल चीज़ को यूज़ किया जाए, फिक्शन भी हो सकता है। जैसे कि आर के नारायण का फिक्शनल टाउन है मालगुड़ी, तो वो मालगुड़ी उनका फिक्शनल टाउन है, उसको उन्होंने खुद से इमेजिन करा है। वहाँ पे कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे कौन सा गांव है, कहाँ कौन सा पंचायत है, कहाँ पे गाड़ियाँ हैं, कहाँ किसी का घर है, कहाँ ये नदियाँ हैं, कुछ भी जो भी है सब उनके मन में है, बट स्टिल वो डिस्क्रिप्शन है। एंड उनके जैसा डिस्क्रिप्शन लिखना भी बहुत मुश्किल, और इतना क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि आप पढ़ोगे ना तो सामने पूरा व्यू आ जाएगा, अच्छा इस तरीके से था, एकदम पर्टिकुलर, एकदम प्रीसाइज तरीके से। आफ्टर दैट अ नैरेटिव टेल्स अस व्हाट हैपेंस और हैपेंड। इट डील्स मेनली विद इवेंट्स। अ गुड डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेट्स द राइटर्स ऑब्जर्वेशन इनटू विविड डिटेल्स एंड क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ओन। Through his description, the author tries to recreate what he has seen or imagined. A fine description is a painting in words. So, ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि a fine description is a painting in words. जैसा मैंने बोला कि जब आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, जो कोई description पढ़ रहे हो, and वो पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसे हम painting जैसा बन जाए कि हाँ ऐसा था, तो उससे अच्छा description कोई हो ही नहीं सकता है। A fine description is a painting in words. यहाँ आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मिस्टर स्क्वेयर्स इन चार्ल्स डिकेंस निकोलस निकलबाय। ये इनकी जो नॉवल है, इनका जो वर्क है चार्ल्स डिकेंस का निकोलस निकलबाय, इसमें मिस्टर स्क्वेयर्स कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन दी गई है। देखो जैसे उनके अपीयरेंस को बताया गया है, उनके पास ही हैड बट वन आई एंड द पॉपुलर प्रेजुडिस रन्स इन फेवर ऑफ टू। द आई ही हैड वॉज अनक्वेश्चनेबली यूजफुल। सो आप देख सकते हो कि आईज को पर्सनैलिटी से रिलेट किया जा रहा है कि उनके पास इन्हें एक ही आईज है, बट उनका पॉपुलर प्रेजिडिस दोनों के फेवर में काम करता है इस तरीके से। और बीइंग ऑफ ग्रीनिश ग्रे, उनका शेप सब कुछ बताया जाता है इसमें। ओके, कैसा उनका अपीयरेंस है, सिनिस्टर अपीयरेंस है, एंड आफ्टर दैट उनका हेयर बहुत फ्लैट है, शाइनी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सबको पता है क्या होता है। अगर हम आगे बढ़ें तो दिस इज अ ग्राफिक description of the appearance of Mr. Squares. The details are so sharp that we can easily visualize the person. आराम से visualize कर सकते हैं अगर English समझ में आई तो। We are told about his height, his eyes, his face, his hair, forearm, dress वगैरह वगैरह। यहाँ पे successful description दी गई है जिससे कि हम उस इंसान को picturize कर पा रहे हैं। Guys, please try to be on time. थोड़ा disturbance हो जाता है, I mean, link टूट जाता है, जो flow आ रहा है ना पढ़ाने का, explain करने का, वो हल्का ideas मेरे इधर उधर भाग जाते हैं। So, please थोड़ा सा time पे आने की कोशिश करो। After that, did you notice the irony in he had but one eye and the popular prejudice? यहाँ पे irony भी use कर लिया उन्होंने, humor भी use कर लिया। Then, आप समझ गए कि description क्या होता है। डिस्क्रिप्शन से हमें डिलाइट भी मिलती है, पिक्चराइज भी करते हैं चीज़ों को, और डिस्क्रिप्शन में यूज़ ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप अपने लैंग्वेज को यूज़ करोगे उतना अच्छा आपका डिस्क्रिप्शन आएगा। आफ्टर दैट, सक्सेसफुल डिस्क्रिप्शन उसी को बोलते हैं जिसको पढ़ के आपका सीन आपके दिमाग में पेंट हो जाए, आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगे कि आप वहाँ खड़े हो, अपने आईज से सब कुछ देख रहे हो वैसा, ठीक है। नरेटिव प्रोज की बात करते हैं, तो अ नरेटिव इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स।
तो डिस्क्रिप्शन में आपने क्या देखा कि इंसान के बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है, कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताया गया है, देन आफ्टर दैट इवेंट के बारे में, आई एम सॉरी, इवेंट के बारे में तो नरेटिव में आता है, इवेंट नहीं, लैंडस्केप, हाँ लैंडस्केप, अगर मतलब कोई सीनरी है उसको डिस्क्राइब करें, वो सब डिस्क्रिप्शन में, बट जब इवेंट की बात आती है तो वो इवेंट का डिस्क्रिप्शन को हम नरेटिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इट मे डील विथ एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। By internal events, we mean the thoughts, feelings, emotions of individuals. अब internal event क्या है? इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या feel कर रहा है, क्या उसमें emotions है। Narrative writing tries to recreate an actual experience of an imaginary one in a way that we are able to experience it mentally. उसको हम mentally experience करते हैं। अब देखो, इवेंट का डिस्क्रिप्शन है, उसको इमेजिन करके आप पेंट तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक फीलिंग है, उसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। ये बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिखना विजुअलाइज, नरेटिव में लिखना एक्सपीरियंस। ओके, नाउ वी लूज आवरसेल्फ्स इन द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स ऑफ द नरेटिव टेम्पररीली। Narratives can deal with the facts or fiction. Autobiographies, biographies, histories are narratives of fact. याद रखना कि narrative prose में कौन कौन सी चीजें include होती हैं, तो वो है autobiography, biography और history. ये सब चीजें narrative prose है, क्योंकि इसमें उन्होंने event को describe किया है, किसी particular इंसान के life में उन्होंने क्या struggles face करे, वो चीज biography, autobiography, ये सब चीज में बताया जाता है, history में बताया जाता है। एंड देन शॉर्ट स्टोरी और नॉवल, ये भी नरेटिव फिक्शन के अंदर आता है। शॉर्ट स्टोरी में आप बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी देख सकते हो। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वर्जीनिया वुल्फ, जो मॉडर्निस्ट राइटर हैं, उनका डचेस ऑफ जूलर। अगर आप ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे, इतना डिस्क्रिप्शन है, इतना कि मतलब एक एक चीज़ समझ में आएगा कि हाँ ऐसा था ऐसा था। वहाँ पे जो कैरेक्टर्स है उनका भी डिस्क्रिप्शन है, यानी वहाँ डिस्क्रिप्टिव प्रोज भी यूज़ किया गया है, साथ ही साथ उनके मन में क्या चल रहा है, उनके साथ हो क्या रहा है, इवेंट्स क्या हो रहे हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन है। तो उसको क्या कहेंगे? नरेटिव प्रोज कहेंगे, ठीक है। इन अ नरेटिव वी आर कैरिड अलॉन्ग द स्ट्रीम ऑफ एक्शन। When we narrate a story, we concentrate on the sequence of events. अब हम लोग कुछ भी नरेट करते हैं तो सीक्वेंस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्लीज वेट, समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन। गाइस, सोनाली एंड देवू, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। नाउ हम जब भी कोई इवेंट को नरेट करते हैं, उसको हम सीक्वेंस में करते हैं। कोई स्टोरी है उसको सीक्वेंस में करते हैं ना। इट इज द एक्शन दैट ग्रिप्स द अटेंशन ऑफ द रीडर। द रामायण एंड द महाभारत आर एग्जाम्पल्स ऑफ नरेटिव राइटिंग। एग्जाम्पल में ये दोनों लिख सकते हो। नाउ नरेशन इज कंसर्न्ड विद एक्शन एंड एक्टर्स। इट मे मेक यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, बट डिस्क्रिप्शन इज सेकेंडरी। एक्शन, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर द एलिमेंट्स दैट आर वोवन इनटू अ पैटर्न टू मेक द नरेटिव इंटरेस्टिंग। ये लाइन ना बहुत ज्यादा गौर करने वाली है कि नरेटिव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किन चीजों की यूज करते हैं। कैरेक्टर का एक्शन, कैरेक्टर्स और सेटिंग। कैरेक्टर आखिर कर क्या रहा है, वो स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, प्रोटैगोनिस्ट कौन है। सेटिंग क्या है, लाइक एटमॉस्फियर कैसा है, कौन से जगह पे स्टोरी है, ये सब चीजें मिल करके नरेटिव को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग मेंशन्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ नरेटिव इन द फॉलोइंग वर्स। आई कीप सिक्स ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई न्यू, देयर नेम्स आर व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। नरेटिव में क्या क्या चीजें आती है, कितना क्लियरली रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ बता दिया। उनका नेम क्या है, क्यों है, वो कौन है और कैसे हैं, कहाँ पे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया और किसी नरेटिव में इन सब क्वेश्चन को बहुत सेटिस्फैक्टरी तरीके से आंसर करना पड़ता है, तभी वो नरेटिव इंटरेस्टिंग बनती है। अगर आप थोड़ा सा मतलब छोड़ दिए कोई कैरेक्टर के बारे में, आधा बता के आधा बात आप हाँ आपको मन नहीं करा, नहीं बताना, नहीं लिखेंगे, तो आपको कोई पढ़ेगा भी नहीं ना। तो वैसे आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो सब कुछ इंक्लूड करना होगा कि वो कहाँ से है, उसको लोग कैसे समझते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जब कैरेक्टर स्केच आप लिखते हो एग्जाम में, तो सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है कि वो कैरेक्टर खुद में कैसा है, आपको ये भी लिखना है कि दूसरे कैरेक्टर्स उस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते थे, क्या समझते थे वैसा। ओके, फिर से यही एग्जाम्पल्स है, ये चीज़ आप खुद से कवर करना। आफ्टर दैट ये एक पैसेज थी,
एग्जाम्पल इस पे बहुत टाइम लगेगा, दैट्स वाई मैं स्किप कर रही हूँ इसको, आप खुद से ऐसे समझना। मैंने बहुत चीज़ बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव प्रोज कैसी होती है और नरेटिव प्रोज कैसी होती है। अब आते हैं एक्सपोजिटरी पे। हो सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव नरेटिव पहले से पता हो, बट एक्सपोजिटरी एक न्यू टर्म हो, ठीक है। अब एक्सपोजिटरी प्रोज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोजिटरी राइटिंग डील्स इन डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशंस। क्या है इसमें? डेफिनेशन है, कोई चीज़ का डिफाइन करना, उसका मीनिंग बताना, उसको एक्सप्लेन करना, उसका इंटरप्रिटेशन बताना, ये सब चीज़ें एक्सपोजिटरी प्रोज में आती है। जैसे राइटिंग ऑन साइंस, लॉ, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म। एक्सपोजिशन इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिकल प्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन देती हूँ अभी, जस्ट कॉमेंट में सब बताना कि अभी जो ये बुक आप पढ़ रहे हो, ये डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा गया है, ये नरेटिव तरीके से लिखा गया है, या फिर ये एक्सपोजिटरी तरीके से लिखा गया है? प्लीज रिस्पॉन्ड करना। ऐसा नहीं है कि गलत आंसर दोगे तो क्लास से बाहर कर दूंगी। मैंने ये पूछा डिस्क्रिप्टिव। ओके, आपके हिसाब से डिस्क्रिप्टिव है? ये जो क्लास है, जो बुक है हमारा, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, वो एक्सपोजिटरी है, डिस्क्रिप्टिव है या नरेटिव है? So, तीन रिस्पॉन्सेस मिले हैं, बाकी लोग प्लीज बोलो। ओके ओके ओके, हाँ आपने सही बोला, एक्सपोजिटरी है, ठीक है। एक्सपोजिटरी क्यों है? क्योंकि इसमें ना आपको डेफिनेशन बताया जा रहा है कि ये सब चीजें क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, आई एम सॉरी, एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें, ठीक है। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, फिलोसफी कुछ भी पढ़ रहे हो, वो सब चीजें एक्सपोजिटरी प्रोज में आती है। इसमें एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना। इट प्रेजेंट्स डिटेल्स कंक्रीटली एंड एग्जैक्टली। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स, बट वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन राइटिंग दैट मियरली एक्सप्लेन्स। वी आर इंटरेस्टेड इन एक्सपोजिटरी राइटिंग दैट कैन बी रीड एज लिटरेचर। अब समझते हैं कि लिटरेचर में किसको एक्सपोजिटरी बोला जाता है। इन द लेग देयर वाज टू, देयर आर टू बोन्स, द टिबिया एंड फिब्युला। द टिबिया और शिन बोन इज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड बेयर्स द वेट ऑफ द बॉडी। द फिब्युला और स्प्लिंट बोन इज एन इक्वली लॉन्ग बट मच स्लेंडरर बोन एंड इज अटैच्ड टू द टिबिया एज अ पिन टू अ ब्रूच। साइंस की बात है, बायोलॉजी की बात है, आपके बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। ये कौन से पार्ट में आता था मैं भूल गई, नर्वस सिस्टम में मैं साइंस कितना वीक हो गया यार। चलो कोई नहीं, आप ही लोग बता दो, ये हड्डियों का हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ते थे? अरे कोई साइंस स्टूडेंट नहीं है क्या? 10th तक तो ये पढ़ाई होती है। हड्डियों के बारे में कौन से चैप्टर में पढ़ते थे हम? दीस आर थाई बोन्स मैडम। पार्डन, थाई बोन्स। ओके, सो थाई बोन्स चलेगा, समझ आया। बट ये जो बोन्स की चीजें थी ना, वो बायोलॉजी के कौन से चैप्टर में आता है? हाँ, स्केलेटन सिस्टम। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, अगर मम्मी सुन ली तो घर से निकाल देंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। दिस पीस क्लियरली डिफाइंस द टू बोन्स, द टिबिया एंड फिबुला। यहाँ पे बताया गया आपको किसके बारे में, टिबिया और फिबुला के बारे में, ठीक है। तो कितना एक्सप्लेन किया गया, तो यही एक्सपोजिटरी प्रोज है। इसको उन्होंने एक लिटरेचर, एक बुक में इंक्लूड कर दिया, तो ये लिटरेचर वाली एक्सपोजिटरी प्रोज बन गई। अब एक डिफरेंस मार्क करते हैं, बिग डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू नेचर एंड द अननेचुरल स्लेवरी ऑफ मैन टू मैन। एक स्लेवरी का दो मतलब होता है, एक होता है कि इंसान नेचर के प्रति एक स्लेव है, ऑफ कोर्स आप नेचर के स्लेव हो, नेचर के बिना आप अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हो, और एक अननेचुरल स्लेवरी व्हिच मींस कि जो कि लोगों के बीच होता है, एक इंसान दूसरे को स्लेव बनाता है, जैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो में, रॉबिन्सन क्रूसो का स्लेव था जूरी और फ्राइडे, तो वो सब ना अननेचुरल स्लेवरी में आता है। देन नेचर इज काइंड टू हर स्लेव्स, इफ शी फोर्सेस यू टू ईट एंड ड्रिंक, शी मेक्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सो प्लेजेंट दैट व्हेन वी कैन अफोर्ड इट वी ईट एंड ड्रिंक टू मच। नेचर हमारे लिए बहुत काइंड है, अपने स्लेव्स के लिए बहुत काइंड है, हमें वो खाने और ड्रिंक करने पे मजबूर करती है, क्यों? क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। बट अगर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो हम वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। वी मस्ट स्लीप और गो मैड, बट देन स्लीप इज सो प्लीजेंट दैट वी हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग।
And firesides and families seem so pleasant to the young that they get married and join building societies to realize their dreams. Thus, instead of resenting our natural wants as slavery, we take the greatest pleasure in their satisfaction. We write sentimental song in praise of them, tramp. चलो ठीक है, ये आपको एक्सपोजिटरी प्रोज है क्योंकि आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सी चीज़ क्या होती है. ठीक है, ये चीज़ आप खुद से पढ़ना क्योंकि ये आपको ऐसे इमोशंस में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा. Now, there is a clear difference between the two passages. Shaw puts across his argument logically and convincingly. ये जो passage था आपने देखा इसमें कि बहुत logical चीज़ें थी कि हाँ ये होता है वो होता है. Now, he first talks about the natural slavery of man to nature by giving a series of examples. He then contrasts this with unnatural slavery of man to man. So, basically, मैं ये बता रही हूँ कि इतना लंबा लंबा paragraph और ये जो आपको दे दिया गया extract पढ़ने के लिए, इनका सिंपल इतना मतलब है कि जो चीज़ में आपको कोई एक्सप्लेनेशन मिलती है, इंटरप्रिटेशन मिलती है या फिर डेफिनेशन मिलती है, उसको एक्सपोजिटरी प्रोज बोलते हैं, बस और कुछ नहीं. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज पे आते हैं. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या होता है? अब द डिविजन ऑफ प्रोज इंटू थ्री काइंड्स, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटरी इज अ रफ वन. मैं यहाँ कंटिन्यू करने से पहले पूछूंगी सबसे कि क्या आपको बोरिंग लग रहा है, क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पॉज कर दूँ, इसके बाद का कल पढ़ाऊँ या फिर मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, बताना. पॉज और कंटिन्यू, बस इतना लिखो. पॉज क्या? पॉज वन, कंटिन्यू वन, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके ओके ओके, आई डू दैट. थैंक यू थैंक यू. आप लोग एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हो गए हो, ग्लैड टू नो दैट. यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ प्रोज की बात कर रहे हैं. तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया कैसे, तो डिस्क्रिप्शन में, नरेटिव में, एक्सपोजिटरी में. और हम नरेटिव राइटिंग में गुड डिस्क्रिप्शन पाते हैं. व्हेन यू एक्सप्लेन, यू मे आल्सो डिस्क्राइब एंड नरेट टू मेक योर एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव. द थ्री डिविजन्स आर नॉट रिजिड. मैंने पहले ही बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये रिजिड कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, एक गुड राइटर जो होता है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यूज करेगा, थोड़ा नरेशन यूज करेगा, थोड़ा एक्सपोजिशन यूज करेगा, सब कुछ मिला जुला कर वो यूज करता है. ठीक है, नॉलेज ऑफ थ्री वेराइटीज इज यूजफुल इन दैट यू कैन अप्रिशिएट हाउ द राइटर मेक्स यूज ऑफ वन और मोर ऑफ देम इफेक्टिवली. यू वुड रियलाइज दैट दे आर वेरी ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन एंड दे रेयरली एग्जिस्ट अलोन. Having discussed the different kinds of writing, let's discuss briefly the different literary forms in prose. अब हमने क्या पढ़ा यहाँ तक? हमने पढ़ा है different kinds of writing, कि लिखने का अलग अलग तरीका क्या होता है. But अब हम पढ़ेंगे कि prose के अलग अलग literary forms क्या होते हैं, literature में क्या forms होते हैं अलग अलग. तो वो है novel है, short story है, essay है, biography है, autobiography है, letters हैं, travelogues हैं, ये सब चीज़ें prose में आती हैं. अब थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग सब कुछ देखते हैं. यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे. शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? तो एक नॉवल इज नॉट अ नॉवल इन एन अब्रिज्ड फॉर्म. वो एक नॉवल का शॉर्ट तरीका आप समझ सकते हो कि मतलब नॉवल का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ऐसा जो कि कम पेजेस में निपट जाए और आपको स्टोरी भी समझ में आ जाए, ऐसा कुछ. बट मैंने जितना पढ़ा है ना उससे मुझे इतना समझ आता है कि नॉवल में प्रॉपर एंडिंग होती है. नॉवल में आपको पूरा पता चलता है कि भाई ये कैरेक्टर कैसा था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हो रहा है सब. बट शॉर्ट स्टोरी थोड़ी अधूरी सी लगती है कभी कभी, सब में नहीं है बट बहुत सारा मैंने जैसा पढ़ा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, उसमें ऐसा लगता है ना कि ओपन एंडेड है, पता ही नहीं चल रहा है अब इसके बाद क्या होगा. या कभी कभी तो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आता कि यार ये लिखा क्यों था, इसका पर्पज़ क्या था, हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ. ठीक है, अब एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के पास बहुत स्किल होना चाहिए टू अचीव एन इम्प्रेशन ऑफ कॉम्प्लीटनेस इन अ फ्यू पेजेस. कम्प्लीटनेस आना चाहिए. ठीक है, वो इम्प्रेशन, इम्पैक्ट पढ़ना चाहिए. तो ऐसे शॉर्ट स्टोरीज को अच्छा माना जाता है जो कि मतलब पढ़ के लगे कि हाँ ये कम्प्लीटनेस का फीलिंग दे रहा है, जो मुझे बहुत सारे में नहीं मिल पाता है. द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स आर स्केच्ड इन अ फ्यू इफेक्टिव स्ट्रोक्स. A short story that has intensity and a singleness of purpose. There is no single acceptable definition of a short story. Koi aisa definition hai nahi. All that we can say is that it is short. Short hai. Usme ek plot hota hai. Usme characters hote hai. Usme ek beginning, ek middle aur ek end hota hai. According to one definition, a short story is a relatively short narrative which is designed to produce a single dominant effect and which contains the elements of drama. Keh sakte hain yahan pe ki short story ek relatively short narrative hai.
बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए वो शॉर्ट है, शॉर्ट नरेटिव है जो एक सिंगल डोमिनेंट इफेक्ट के ऊपर काम करता है। अब अगर आप नॉवल या ड्रामा पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको लगेगा कि आप दो तीन चीज़ें साथ में कवर कर रहे हो, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, और तीन चार कैरेक्टर्स के लाइफ के बारे में आप समझ पाओगे। बट शॉर्ट स्टोरी में एक सिंगल पर्पस होता है, ठीक है, सिंगल डोमिनेंट इफेक्ट होता है, और उसी में ड्रामा का इफेक्ट आ जाता है। द एम ऑफ अ गुड शॉर्ट स्टोरी इज टू मेक द रीडर फील, टू मेक हिम एंटर इन टू द एक्सपीरियंस ऑफ द कैरेक्टर्स। तो ये सिर्फ शॉर्ट स्टोरी नहीं, जितने भी प्रोज हैं सबको ऐसा होना चाहिए कि रीडर पढ़े तो उसको फील कर पाए, उसको विजुअलाइज कर पाए, ठीक है। अब नॉवेल की बात करते हैं। मैं बताऊं आपको एक चीज़, ऑनेस्टली बताऊं तो इतना पढ़ के आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलेट पॉइंट्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा गूगल करना होगा, एंड मैं नहीं कह रही कि एक पन्ना दो पन्ना भर भर के पेज भरो, बस वो नहीं करना है। एकदम शॉर्ट टर्म्स, दो टर्म उठाओ तीन टर्म उठाओ और उस टर्म को समझ लो, बस आपका आंसर वैसे ही, उसको एलैबोरेट करते जाओ, आपका आंसर खुद ही लॉन्ग हो जाएगा। सो नॉवल की बात करते हैं। लाइक द शॉर्ट स्टोरी इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नॉवल। अब जैसे शॉर्ट स्टोरी को डिफाइन करना मुश्किल है, उसी तरीके से नॉवल को भी डिफाइन करना मुश्किल है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉवल वी यूजुअली मीन अ पीस ऑफ फिक्शन रिटन इन प्रोज एंड ऑफ अ सर्टन लेंथ। अ नॉवल इज एन इंडिविजुअल विजन ऑफ द नॉवलिस्ट। जब नॉवल की बात करते हैं तो वो एक पीस ऑफ फिक्शन है। फिक्शन मतलब इमेजिनेशन, बेसिक चीज बताऊं तो फिक्शन मतलब इमेजिनेशन होता है। नॉवल में बेसिकली फिक्शन होता है, जो भी देखते हैं आप पढ़ते हैं वो एक फिक्शनल चीज़ है, इमेजिनेशन चीज़ है और इमेजिनरी चीज़ है, एंड आफ्टर दैट वो प्रोज में लिखी गई है और उसका एक लेंथ है, ठीक है। नाउ अ नॉवल इज एन इंडिविजुअल विजन ऑफ द नॉवलिस्ट। एक नॉवलिस्ट जो भी वो नॉवल लिख रहा है उसका विजन कैसा है, वो क्या सोचता है, क्या समझता है, लाइफ को किस तरीके से देखता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है, वो सब कुछ उसके नॉवल में इंक्लूड हो जाता है। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ लाइफ एज व्यूड बाई द राइटर। उसके लिए उसका लाइफ कैसा है, वो लाइफ को किस तरीके से समझता है, लाइफ का मीनिंग क्या उसको लगता है, वो सब चीज़ें वो लिखता है राइटर, ठीक है। इट हैज़ अ शॉर्ट इट हैज़ अ स्टोरी विच टेल्स अस व्हाट हैपेंड एंड अ प्लॉट विच टेल्स अस हाउ इट हैपेंड। इसमें एक स्टोरी होती है, एक नरेशन होता है क्या हुआ था, एंड प्लॉट होता है जो हमें बताता है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी के लिए। E.M. Foster, an English novelist, said this is of the difference between a story and a plot. The king died and the queen died is a story. The king died and then the queen died of grief is a plot. कितना simple है, कितने अच्छे से differentiate कर दिया E.M. Foster ने। ये बहुत important critique भी है, English novelist है। इन्होंने बोला कि story plot के बीच में difference ये है कि story है राजा मर गया रानी मर गई, plot है राजा मर गया उसके बाद उसके दुख में रानी मर गई, ये प्लॉट, क्योंकि रीजन भी आ गया ना क्यों हुआ, वो रीजन आया, दैट्स वाई उसको प्लॉट कहते हैं। यही डिफरेंस है स्टोरी और प्लॉट में। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये आपको किसी भी जगह कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आप लिटरेचर स्टूडेंट को भी पूछ सकता है, आप बताओ प्लॉट स्टोरी में क्या डिफरेंस है, तो आप सोचोगे ये पॉइंट बोलूँ वो पॉइंट बोलूँ, पूरा ब्लैंक हो जाओगे। बट अगर आपको एक एग्जाम्पल याद रहेगी ना तो सब समझ में आएगा, सब ऐसे क्लियर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि पानी पे तेल फ्लोट करते हैं वैसे फ्लोट करने लगेगा कि हाँ ये प्लॉट है ये स्टोरी है। द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड इट इज अ स्टोरी, देन द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ इज अ प्लॉट, ओके। उसके बाद द प्लॉट एंड कैरेक्टर्स इन अ गुड नॉवल लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द रीडर। A good novel gives us insight into the world and ourselves. It is full of vitality, humanity, appeals to human sensibilities. The style varies from one novelist to another. Style vary करती है। अलग अलग writer of course अलग अलग तरीके से लिखेंगे, सबका अलग अलग style है। Signature of the novelist, सबका एक signature style होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। A good short story is like a small garden. A fine novel is like a forest. शॉर्ट स्टोरी को आप गार्डन समझो छोटा सा, फाइन नॉवल को एक फॉरेस्ट समझो बड़ा सा। नाउ ऐसे ऐसे की बात करें तो एन ऐसे इज अ पीस ऑफ प्रोज कॉम्पोजिशन यूजुअली ऑफ मॉडरेट लेंथ। प्रोज कॉम्पोजिशन है मॉडरेट लेंथ है, ना तो वो शॉर्ट स्टोरी जितना शॉर्ट है और ना तो वो नॉवल जितना लॉन्ग है। द वर्ड ऐसे डिराइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड
एसआई और अटेम्प्ट, इट अटेम्प्ट्स टू थ्रो सम लाइट ऑन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन, उसको थोड़ा इलैबोरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना. सो ऐसे को आप कह सकते हो कि इसमें एक्सपोजिटरी चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती हैं. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़रूरी मतलब नहीं है कि ऐसे में डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, ऐसे में नरेशन नहीं होगा, होगा, सब होगा, बट एक्सपोजिटरी चीज़ ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें डिफिनेशन आता है, उसमें एक्सप्लेनेशन आता है, ये सब चीज़ें आती है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसेज, एक इनफॉर्मल है पर्सनल और दूसरा फॉर्मल है. यू कैन से एनीथिंग यू लाइक इन इनफॉर्मल एसे सो लॉन्ग एज इट इज इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग टू द रीडर. जहाँ तक रीडर को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप इनफॉर्मल एसे में कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि वो आपके लिए पर्सनल है. आप अपने हिसाब से जो अच्छा लग रहा है लिख दो. इट इज़ रिटन इन लाइट स्टाइल, बहुत लाइटली, डिलाइट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाता है. देन स्टाइल ऑफ द एसे इज जनरली फेमिलियर एंड कॉन्वर्सेशनल, बहुत फेमिलियर टोन होता है. ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज होते हैं जो आप इजली समझ सकते हो और डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हो. सब्जेक्ट्स कैन ऑफन बी लाइट सच एज अपोलॉजी फॉर आइडलर्स और ट्रेमेंडस ट्रिफल्स ऑन बोर्ड सो ऑन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. द इनफॉर्मल एसे ट्राइज टू इन्फॉर्म, पर्सुएड और एंटरटेन द रीडर्स. तो यहाँ आप क्लियर हो गए कि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती है. इनफॉर्मल एसे की बात हो रही है, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, हमें पर्सुएड करती है, हमें एंटरटेन करती है. नाउ फॉर्मल एसे की बात की जाए तो फॉर्मल एसे सीरियस होता है, उसमें एक वेट, एक ग्रेविटी होती है, वो इवेल्युएट करता है, वो जज करता है चीज़ों को, वो डिस्कस करता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के मेरिट और डीमेरिट को. द स्टाइल इज ऑब्जेक्टिव एंड सीरियस. तो ये ऐसे आपने बचपन में पढ़ा होगा और बचपन में आपको किसी ने स्कूल में नहीं बताया होगा कि ऐसे के भी दो तरीके होते हैं. लेटर का तो बताया कि हाँ भाई एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, बट ऐसे का मैं नहीं कह रही कि सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी को पता होगा, मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, मैं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है. मैंने जब पढ़ा ना ऐसे कुछ कुछ, जैसे ब्यू टिप्स, ये एक ऐसे है ओलिवर गोल्डस्मिथ की, इसमें ना जब मैंने पढ़ा तो ये ऐसे है, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था कि अरे मैं बुक टर्न कर रही हूँ, इसको ऐसे क्यों बोल रही है लोग, ये तो स्टोरी है. बट नहीं भाई, वो भी ऐसे में आता है, वो इनफॉर्मल ऐसे है क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर्स ला रहे हैं अपने लाइफ का. वो अपना एक दोस्त ला रहे हैं, उसका दोस्त ऐसा था, उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो सब चीज़ें कभी कभी स्टोरी सॉरी ऐसे में आ जाती है. सो याद रखना कि ऐसे का दो तरीका है, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल. फॉर्मल वो जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, इसका एडवांटेज बताओ, इसका डिसएडवांटेज बताओ, वही, और हमें उसमें जज अपना जजमेंट देना होता है. स्टाइल इज ऑब्जेक्टिव एंड सीरियस. गुड ऐसे हाउएवर इज बैलेंस्ड, थॉटफुल एंड नॉट बायस्ड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती उसमें, और जजमेंट फैक्ट बेस्ड होता है. ये नहीं कि आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसलिए आपने लिख दिया कि हाँ अच्छा है, उसमें आपको फैक्ट मेंशन करना होगा कि क्यों ऐसा है, क्यों आप उसको सपोर्ट कर रहे हो या फिर क्यों आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सब कुछ का रीजन होना चाहिए फॉर्मल में. नाउ चलते हैं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी. ये तो पता होगा सबको कि बायोग्राफी किसी के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में लिखना, ठीक है. स्टोरी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल आर कंसर्न इज विद बायोग्राफी एज अ पीस ऑफ लिटरेचर. अब लिटरेचर के अंदर में बायोग्राफी को कैसे पढ़ते हैं वो समझना ज़्यादा जरूरी है. अ गुड बायोग्राफी यूजुअली ट्राइज टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. इट अवॉइड्स द टेम्पटेशन आइदर टू प्रेज टू मच और टू बी टू सीवियर एंड क्रिटिकल. सो बायोग्राफी में आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक ऑब्जर्वेशन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको बोला जाए कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक ऐसे लिखो, उसको मतलब बायोग्राफी बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बायोग्राफी लिखो अपने दोस्त का, तो आप क्या करोगे, भर दोगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है. और अगर कोई राइवल जिसे आपका रिसेंटली फाइट हुआ है उसके बारे में बोला गया कि बायोग्राफी लिखो, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार, ये थोड़ी होता है बायोग्राफी. ये नहीं होता कि आप किसी को या तो बहुत प्रेज कर रहे हो या फिर बहुत खराब बोल रहे हो, ऐसा नहीं है. ऑब्जर्वेशन वो है बायोग्राफी. आपको लिखना होगा कि हाँ आपका ये जो दोस्त है उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या स्ट्रगल्स फेस किया, क्या अच्छा हुआ, क्या अचीवमेंट्स रहे, वो सब चीज़ें वो आती है बायोग्राफी के अंदर, ठीक है. नाउ इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग द राइटर सेलेक्ट्स द सेलेंट फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लाइफ एंड गिव्स देम अ शेप. अब ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ बताया जाए उसमें कि हाँ आज वो घूमने गया था तो उसको ये जगह बहुत अच्छी लगी, वो सब चीज़ें नहीं. बायोग्राफी में उसका फीचर आता है, लाइक वो पर्सन कैसा था, कैसे सिचुएशन में कैसे डील करता था. और उसके बाद चलते हैं
इट ट्राइज टू मेक द रीडर शेयर द होप्स फियर्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ दैट पर्सन. उस पर्सन से हम सीखते हैं कि उनके होप्स क्या थे. हमें एक फियर मिलता है, उनके लाइफ में कुछ खराब हुआ तो चलो भाई एक डेंजर साइन मिला कि हाँ हमें ये नहीं करना है, वरना हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है. उनका इंटरेस्ट क्या था या उनका एस्पिरेशंस क्या थे वैसे. और ऑटोबायोग्राफी की बात की जाए तो अपने बारे में कुछ सिलेक्टेड एक्सपीरियंसेस जो कि पढ़ के दूसरों को एक वो मिल पाए, जागरूकता. पता नहीं मेरी इंग्लिश को कभी कभी क्या हो जाता है, आई एम सॉरी. कि मतलब पढ़े इंस्पिरेशन, यस इंस्पिरेशन बोल रही थी, कि इंस्पिरेशन मिले कि पढ़ो आप और लगे कि भाई ये एक्सपीरियंस उनका कितना अच्छा था, ये इन्होंने अपने लाइफ में कितना अच्छा किया, तो इंस्पिरेशन मिलती है. वो हो गया ऑटोबायोग्राफी, जो खुद के बारे में लिखते हैं और सेलेक्टिव लिखते हैं. हियर द पिक्चर प्रेजेंटेड इज नेसेसरीली सब्जेक्टिव. Now, it presents the events and impressions of the past as recollected by the writer at the time he or she is writing the autobiography. It cannot be a complete account of one's life as the future has still to be lived. Complete तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब वो लिख रहा है तब तो वो जिंदा है. ऐसा तो है नहीं कि वो लास्ट फुल स्टॉप दिया और वहीं वो कट लिया, ऐसा तो होता नहीं है. तो फ्यूचर तो बचा ही रह गया. तो बायोग्राफी हमेशा, ऑटोबायोग्राफी हमेशा अधूरी होती है, बट बायोग्राफी पूरी भी हो सकती है, क्योंकि बायोग्राफी आप किसी के मरने के बाद भी लिख सकते हो, और जीते जी लिखोगे तो वो भी इनकम्प्लीट है. सो आई होप समझ में आ गया होगा. नाउ डायरी, स्पीचेस, लेटर्स, ट्रैवलॉग्स, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म्स ऑफ प्रोज दैट विल बी स्टडिंग दिस कोर्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स. अलग अलग ब्लॉक्स में हम इसे समझेंगे. स्पीचेस, डायरी, लेटर्स, ट्रैवलॉग्स, कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद आ रहा है. हमने ना वो फर्स्ट ईयर में BEGAE 182 जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाली कोर्स है उसमें भी पढ़ा था बहुत अच्छे से, और रश्मि मैम क्लास लेती थी, क्या मस्त था. नाउ फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच आई थिंक ये, आई होप ये कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. काफ़ी हमने आज पढ़ लिया, इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. यहाँ से इस यूनिट से ही बहुत क्वेश्चंस बन सकती हैं, इतने सारे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत पॉइंट्स हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच पे आते हैं तो ये क्या है. डीपली इन लव यंग मैन टेल्स हिज फ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड इज वेरी ब्यूटिफुल. विदाउट गोइंग इन टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर द यंग लेडी इन क्वेश्चन वॉज इन डीड ब्यूटिफुल और नॉट, लेट अस कंसिडर द सेंटेंस. इट इज क्लियरली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट. ऑन द अदर हैंड, रॉबर्ट बर्न्स, स्कॉटिश पोएट, सेज माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. समझ में आ रहा है ना, हाइपर बोला यहाँ यूज किया जा रहा है. ठीक है, तो एक सिंपली आप कह रहे हो. यहाँ थोड़ा ह्यूमर यूज किया गया है. मुझे उम्मीद नहीं था कि इग्नू के जो ये रिसर्चर्स हैं जो ये बुक लिखते हैं उनमें भी थोड़ा होगा ह्यूमर, बट है. किसी ने देख लिया ना मेरा वीडियो, मैं चैनल बंद करवा देंगे. तो यहाँ मैं ये कह रही थी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि माई गर्लफ्रेंड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ये आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दिया. बट अगर आप कह रहे हो माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, समझ में आ रहा है. नहीं नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉनोटेटिव हो गया, हिडन मीनिंग आ रहा है यहाँ पे. ये लिखने का तरीका होता है और इसी वजह से लोग पॉपुलर हो जाते हैं. कहना तो ये भी सेम चीज़ चाह रहा है कि हाँ बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अच्छी है. कहना सेम चीज़ वो भी चाह रहे हैं, बट उन्होंने लिखा इतने अच्छे से, इतना उसको हाइपर बोले और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके लिखा कि वो इतने पॉपुलर राइटर बन गए. और जिसने सिंपली कह दिया कि माई गर्लफ्रेंड वेरी ब्यूटिफुल, उसको कोई इज्जत नहीं मिला. द पोइट इज मेकिंग यूज ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच, अ सिमिली इन दिस केस विच वी शैल डिस्कस अ लिटिल लेटर. फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट वॉट फिगरेटिव लैंग्वेज इज बाई कंपेयरिंग द अबव सेंटेंसेज. यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया अबाउट वॉट अ फिगर ऑफ स्पीच इज. अब समझ के क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच. ये जो था लाइक अ रेड रेड रोज, ये सिमिली था, क्योंकि सिमिली में एज और लाइक का यूज किया जाता है. मैंने इतना हाइपर बोले पढ़ लिया है ना आज शेक्सपियर के वर्क्स में कि बार बार मेरे मुंह से वो हाइपर बोले आ जा रहा है, बट यहाँ वो सिमिली है. ठीक है, लाइक जहाँ आता है ना, ये अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि कन्फ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा. मे को होता है, सबको होता है, ये किसको सिमिली बोलेंगे, किसको मेटाफर बोलेंगे, किसको हाइपर बोले. बट सिमिली बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल. इतना याद रखो, जहाँ आपको लाइक मिल जाए, जहाँ आपको एज मिल जाए, लाइक एज, ये लाइक और एज आपको जहाँ दिख जाए वो सिमिली है, बस बात खत्म. बाकी सबका डेफिनेशन रटते रहो बैठ के, बट सिमिली बहुत सिंपल. वाई डू राइटर्स यूज फिगरेटिव लैंग्वेज, क्यों यूज करते हैं? अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, अपना जो उनका एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए. अभी कौन आ रहा है 53 मिनट्स के बाद? प्राची, यू आर सो लेट. एनीवेज,
रेड रेड रोज के बारे में बताया जा रहा है कि इससे हमें पता चलता है एक ब्यूटीफुल रेड रोज हमारे सामने आता है, हमारे आंख के सामने एक बहुत ही सुंदर रेड रोज आता है, एक बहुत यंग रोजी चीक गर्ल आती है हु इज एज ब्यूटीफुल एज दिस एक्सक्विजिट फ्लावर. डू पोएट्स अलोन यूज फिगर्स ऑफ स्पीच? नो, फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ राइटिंग, प्रोज, पोएट्री, ड्रामा. इनफैक्ट वी डू यूज फिगरेटिव लैंग्वेज इन आर डेली कॉन्वर्सेशन. व्हेन वी से ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश और इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वी यूज फिगरेटिव लैंग्वेज. काफी जगह थे, आप पढ़ ली हो ना, अब आप कल से देखना खुद नोटिस करने लगो, कुछ बोलोगे ना फिर आपको रियलाइज होगा, अरे शिट यहाँ तो मैंने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज किया. आपके आसपास के लोग आपसे ऐसे ही बात करते हैं, कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में बोलते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज किया जा रहा है. इसका लिटरल मीनिंग तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, क्या कुत्ते बिल्लों की बारिश हो रही है, ऐसा तो होता नहीं है, बट जब बहुत बहुत बारिश होती है ना हैवीली के जगह पे यूज किया जाता है, तो ये कॉन्टेटिव मीनिंग में आ जाता है. उसके बाद वी शैल नाउ ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच विच इज सिमिली, मेटाफर, इमेज, सिंबल, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, अंडरस्टेटमेंट, आयरनी. सिमिली की बात की जाए तो कंपैरिजन है डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट टर्म्स के बीच में. एंड देन कंपैरिजन कैसे होती है, जैसे मैंने बताया लाइक और एज से होती है. एग्जाम्पल में देखा जाए, एज स्वीट एज हनी, वाइट लाइक स्नो, वी आर यूजिंग सिमिलीज. बट इफ यू से राम इज लाइक श्याम, इज दिस अ सिमिली? नो, बिकॉज राम एंड श्याम बिलोंग टू द सेम क्लास, दैट इज मेल ह्यूमन बींग्स. कंपेरिजन कर रहे हो वो सिमिली नहीं है, क्योंकि वो सिंपल चीज है, बहुत सिंपल. आप मेरे जैसे हो, यू आर लाइक मी, आई एम लाइक यू, यू आर लाइक योर टीचर, यू आर लाइक योर ब्रदर, ये सब सिमिली नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, ये फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है. बट अगर आप कोई पर्टिकुलर फीलिंग को, कोई इमोशन को, या फिर कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस को किसी चीज से कनेक्ट करते हो, कंपेयर करते हो, तो वहां उसको सिमिली बोलते हैं. जिसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो लाइक और एज से. मेटाफर, मेटाफर क्या होती है? ब्रॉडली स्पीकिंग अ मेटाफर इज ऑल्सो अ कंपैरिजन. बहुत साफ साफ बता दिया गया कि जैसा सिमिली है वैसे ही मेटाफर भी कंपैरिजन है, बट यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं. यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं करते, यहाँ उस वर्ड को उठा के, उसको पटक के, उसको जगह कोई दूसरा वर्ड ले आते हैं, मेटाफर को हटा, मतलब उसको मेटाफर कहते हैं. कोई वर्ड है, हटा दिया उसको, उसके जगह कोई नया वर्ड ले आया जो सेम सेम टू सेम वैसे कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तो उसको मेटाफर बोलते हैं. जैसे कि द रोड स्नेक्ड इट्स वे अप द माउंटेन, हियर द वर्ड स्नेक्ड इज यूज्ड मेटाफरिकली. द वर्ड स्नेक्ड सजेस्ट्स अ विंडिंग पाथ. यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर इज नो डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द स्नेक एंड द कोर्स ऑफ द रोड. द कंपैरिजन विद द स्नेक इज इनडायरेक्ट एंड इम्प्लाइड. कितना इनडायरेक्टली बताया गया है ना, रोड इज स्नेक्ड, मतलब घुमावदार है थोड़ा सा, जैसा स्नेक का बॉडी होता है ना वैसा. तो स्नेक का कैरेक्टरिस्टिक आपने उठा के रख दिया यहाँ इस सेंटेंस में, आपने इसको मेटाफर बना दिया, यही होता है मेटाफर, ठीक है. इमेज की बात की जाए, इमेज क्या होता है? फोटो खींच लिया, वो इमेज है. अगर आप पढ़ रहे हो, आपको मतलब पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ वहाँ पे ऐसा था, ऐसा था, इमेज बन रहा है, तो वहाँ इमेजरी होती है. राइटर्स अपने राइटिंग को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए इमेजरी यूज करते हैं. उसके बाद नो एन इमेज कैन ऑल्सो रिफर टू द सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, टच, हियरिंग. इमेज इज यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमिली और मेटाफर. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ गार्डन इन हर फेस वेयर रोजेज एंड वाइट लिलीज ग्रो. कितना अच्छा है ना, आप इमेजिन करो किसी के चेहरे में फूल खिले, तो ये इमेज है, ठीक है. वॉट अ ब्यूटिफुल एंड विविड वर्ड पिक्चर इज इवोक्ड बाई दीज लाइन्स. डू यू थिंक दिस इज अ सिमिली और मेटाफर? इट इज अ मेटाफर, इजंट इट? Yes, it is a metaphor. Symbol, an image is a description that enhances the significance of a literary work. A symbol is something that stands for something else. A dove is a symbol of peace. Symbol समझते हो ना? Sign. Dove बना है तो उसको हम peace समझते हैं. उंगलियों से जो फोटो में ऐसे V दिखा के खड़े हो जाते ना, जितना selfies आ रहा है या group photo हो रहा है, तो बस कुछ नहीं आ रहा pose करने, तो V निकाल के खड़े हो जाओ, तो वो वी का मतलब विक्ट्री होता है, ठीक है. जो स्वैग में करते हैं ना, उनको बता दूं कि वो वी को अपने तरफ घुमाओगे तब वो आता है, बट अब आप सिंपली वो जो फिंगर्स को बाहर साइड रखते हो, तो वो विक्ट्री का साइन होता है, ठीक है. पता नहीं मैं किधर से किधर चले जाती हूँ. एनीवेज, अ लिटरेरी सिंबल इज नॉट सिंपली डिस्क्रिप्शन लाइक एन इमेज, इट यूजुअली हैज अ रेंज ऑफ मीनिंग्स.
In Bleak House, the novel by Charles Dickens, we have fog everywhere. Fog up the river, fog down the river. Fog here is the symbol of confusion, obscurity, and the endless delays caused by outdated legal practices. Fog. पढ़ के क्या लगा? कुहासा? नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, धुंध की बात नहीं हो रही यहाँ पे. उनके उनका फॉग सिंबलाइज कर रहा है किसको? कंफ्यूजन को. ठीक है, ऐसे पतंग बोलते हैं, पतंग को मतलब, पतंग तो थोड़ा आजकल नेगेटिवली यूज करते हैं, पतंग छोड़ो. बर्ड, कोई चिड़िया है, चिड़िया कैसे देखते हैं? फ्रीडम, एज अ फ्रीडम उसको देखते हैं, एकदम खुले आसमान में अपने मन से जिधर मन कर रहा है उधर उड़ रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो फ्रीडम है, तो वो सिंबल है फ्रीडम का. Personification पे चलते हैं. This involves giving human characteristics, powers or feelings to objects or to abstract qualities. As in a metaphor, a comparison is implied. The purpose is to make the description more vivid, concrete. The writer speaks of something which is non-human as if it were human. For example, sun traced its footsteps across the sky. Simple चीज बताऊं, कोई भी non-living चीज में अगर आप living characteristic को जोड़ दो तो वो personification हो जाती है. जैसे सूरज के बारे में आप क्या बोल रहे हो? सन जो है वो पूरे आसमान में चल रहा है. सन चलता तो नहीं है ना, तो वो चलने वाला कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन का है और सन एक नॉन ह्यूमन है. तो वो जब मिक्स कर देते हैं, मैच कर देते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट द वेस्ट विंड रेन्स ओवर द सीज सराउंडिंग द कोस्ट ऑफ इट्स दीज किंगडम्स. रेन करता है मतलब राज करता है. वेस्ट विंड सारे सीज का राजा है. राजा तो नहीं है ना ऑफकोर्स, क्योंकि वो नॉन ह्यूमन है, राजा तो ह्यूमन होता है. तो वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान के कैरेक्टरिस्टिक को किसी भी नॉन इंसानी कैरेक्टर के साथ जोड़ दो तो वो पर्सोनिफिकेशन है. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हाइपरबोले पे. किसी चीज को एग्जैजरेट करना फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन से आई नियरली डाइड ऑफ लाफिंग. मेरे को आ रहा है, बोल ही देती हूँ, एल एम एफ ए आओ आओगे. एल एम एफ ए ओ कहते हैं ना, तो सच में नहीं ना होता है, वो बस बोलने के लिए बोलते हैं, तो वो हाइपर बोले हो गया. द ब्लू बर्ड कैरीज द स्काई ऑन हिज बैक. ऐसा तो नहीं होता ना कि ब्लू बर्ड अपने पीठ पे पूरे आसमान को लेके घूम रही है, ऐसा तो नहीं है. उल्टा है कि स्काई में वो ब्लू बर्ड घूम रही है, बट इस तरीके से लिखा जाता है ना कि लगता है कि भाई साहब कितना बढ़ा चढ़ा दिया गया इसको, वही है हाइपरबोले. मेरे को याद आ रहा है, एक क्लास मैंने अटेंड किया था, वहाँ सर ने स्नेक का एग्जांपल दिया था, सांप का, कि उनके ना मोहल्ले में एक बार एक सांप आया किसी के घर में, एंड अगले दिन सुबह उठ के वो कैसे बता रहा है कि ओ भाई साहब मेरे घर में इतना लंबा सांप आया था, बट वो एक्चुअली में था बित्ती सा, एक उंगली जितना मेरे हिसाब से, सर जैसा बता रहे थे. अब मेरे को ये भी नहीं पता कि सर को कैसे पता चला कि वो इतना छोटा था, क्योंकि किसी ने तो वो देखा नहीं था. चलो जो भी है, मेरे कहने का ये मतलब कि भरा चढ़ा के बोलना उसको हाइपरबोले बोलते हैं. ठीक है, वैसे ये नॉर्मली हमारी मम्मी भी काफी करती है. ओके, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोले. इंस्टेड ऑफ एग्जैजरेशन द ऑथर एक्सप्रेसेस हिम हर विद रिस्ट्रेंट. द ब्रिटिश आर नोन फॉर देयर हैबिट ऑफ अंडरस्टेटमेंट. इफ समवन इज लुकिंग एक्सट्रीमली इल, द इंग्लिश मैन मे जस्ट से यू डू लुक अ लिटिल बिट अंडर द वेदर. और फॉर अ पर्सन हु डाइड ऑफ अ बुलेट शॉट, ही स्टॉप्ड अ बुलेट लास्ट नाइट. पुअर चैप. कितने बड़ी चीजों को कितने छोटे से, कितने सिंपल तरीके से लिखा है, सिर्फ ये तो कुछ मायने नहीं रखता है. You do look a bit under the weather, which means कि आप बीमार लग रहे हो, आप बहुत बीमार हो, तो थोड़ा कह रहे हैं a bit, थोड़ा सा, थोड़े से, ज़्यादा बीमार नहीं लग रहे, थोड़े से, तो वहाँ understatement है, या फिर उसको litotes कहते हैं. ये एक new word है आपके लिए भी, मेरे लिए भी. यहाँ पे क्या है, he stopped a bullet last night. ये नहीं कि bullet ने उसको ठोका, उसने ही bullet को रोक दिया. Poor chap. ये understatement है, कितनी बड़ी चीज़ को कितने छोटे से और ऐसे बोल दिया गया, जैसे इसका कोई मतलब ही नहीं है. Irony की बात करते हैं, तो आयरनी क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक बार समझ जाओ तो समझ जाओगे. आयरनी सेइंग वन थिंग व्हाइल मीनिंग अनदर. बोल कुछ रहे हो बट मीन कुछ और कर रहे हो. इन शॉर्ट, आयरनी अकर्स व्हेन अ वर्ड और फ्रेज हैज वन सरफेस मीनिंग एंड अनदर डिफरेंट मीनिंग बीनीथ दिस सरफेस. इंग्लिश के तो काफी एक्सप्लेनेशन, सॉरी एग्जाम्पल मिलेंगे बुक में. हिंदी की सिंपल सी मैं एक एग्जाम्पल दूँ, यहाँ तो होता है, आपके साइड होता नहीं होता मुझे पता नहीं, बट यहाँ मेरे साइड होता है कि मान लो कि किसी ने पानी मांगा और मैंने एक कप में उसको पानी दे दिया, वो आदमी इतना प्यासा, और मैंने उसको ग्लास के बदले, बॉटल के बदले एक कप में दे दिया थोड़ा सा, दो घूंट पानी. वो बोलेगा
अरे बाप रे, इतना पानी ले आया, ये पानी से तो मैं पूरे साल भर अपना प्यास बुझा लूं। तो ये आयरनी है, कह रहा है कुछ, मीन कर रहा है कुछ, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है ये बहुत कम पानी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं बुक के एग्जाम्पल पे। यहाँ बोला जा रहा है ही हैड बट वन आई, वही सेम जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो ये होता है आयरनी, और ये आयरनी आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक वर्क में मिल जाएगा। जो भी प्रोज है सब में आयरनी देखने को मिल जाता है। ये प्लेजर देता है या रिलीफ देता है, एंड मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद सरकैज्म विच डिलिबरेटली इन्फ्लिक्ट्स पेन। दिस लिस्ट इज बाई नो मीन्स एग्जॉस्टिव। अब किस लिस्ट की बात की जा रही है? तो फिगर्स ऑफ स्पीच की। इसमें बहुत सारा यूफेमिज्म भी आएगा, और क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्सिकल चीज़ें आएंगी, ऑक्सीमोरोन आएगा, ये सब भी फिगर्स ऑफ स्पीच है। बट उस लिस्ट को आप जितना पढ़ो उतना कम है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको वो पढ़ना है कि ये सब क्या होता है एक्चुअली, तो सबसे बेस्ट बुक होती है उसकी लिटरेरी टर्म्स बाई एम एच अब्राम्स। नाउ we hope it will be useful not only in analyzing the prose passages in this course, but will also help you with your reading of poetry and drama. आप अपने poetry और drama पढ़ोगे, उसको reference जो context attempt करोगे, काफ़ी helpful होगा। वहाँ point out करोगे, समझोगे कि हाँ ये चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे ये figure of speech use किया जा रहा है, तो आपका answers बहुत अच्छा बनेगा और आपका जो critical thinking है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, check your progress में देखते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, क्यों करते हैं? डिलाइट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ के जो अच्छा लगे और रीडर्स कनेक्ट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ, ये सब चीज़ें। फेमिलियरिटी विद द फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब आपको यहाँ बताना है कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्या यूज़ है, और थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी। तो ये सब आप अटेम्प्ट करना, और यूनिट के एंड में आंसर्स हैं उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ लेटर सम अप है कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे आंसर्स है, और इसके साथ हमारा यूनिट वन कंप्लीट होता है, एंड कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। सो मैं वापस आती हूँ, एंड मैं जानना चाहती हूँ कि आज की क्लास कैसी लगी। ओके, सो किसी ने लिखा कि योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, आई एम वेरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। खैर, ये 2 मिनट पहले की मैसेज है। क्लास कैसी थी? ओके, वंडरफुल। ओके, अच्छी थी, अच्छी थी। ओके, गुड, ऑसम, वेरी हेल्पफुल, गुड। ओके 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 यार, थैंक्स मत बोलो मेरे को, मेरे को आप लोगों को थैंक्स बोलने का मन करता है ना, कि मुझे इतना अच्छा लगता है इतने लोग मेरे को इतनी देर तक सुनते हैं, ऐसा लगता है कि चलो कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, किसी का तो कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं प्राची, कल से करना, टाइम पे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सबको कि आपने इतनी तारीफ़ करी, और किसी का क्लास का थोड़ा सा पार्ट छूट गया है तो मैं अपलोड करूँगी, बट अभी नहीं कर पाऊँगी। हो सकता है संडे को करूँ, वीकली करूँ, या 15 दिन फोर्टनाइटली करूँ, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। चलो अब गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, किसी ने क्लास के बारे में पूछा है ना, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगी कि कितने बजे होगी। मेरे हिसाब से ज़्यादातर यही रात का टाइम होगा, 9, 10, 10:30, इतना यही टाइम मेरे लिए सही होता है। सो आप लोग देखना अपने हिसाब से, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब वीडियो फॉलो करना। ओके ओके शिवांशु, थैंक यू सो मच कि आपको मैंने सेकेंड ईयर में हेल्प करी, एंड ऑफ कोर्स थर्ड ईयर में भी मैं हेल्प करूँगी, डोंट वरी। यही सही है ना प्राची? यस, ये अच्छा टाइम होता है, यहाँ पे किसी को कोई झंझट नहीं होता, सब अपना पढ़ाई वढ़ाई करके। अरे मैंने यूट्यूब पे देखा ना, वहाँ पे भी टाइमिंग मैं चेक कर रही थी कि कौन सा टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो पता चला कि यही टाइम है, रात का टाइम। बस एग्ज़ाम टाइम ऐसा होता है, बाकी टाइम तो समझ ही सकते हो। चलो कोई नहीं, बंद करते हैं इसको, आज के कथा को बंद करते हैं, समाप्ति करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग।